आठ साल की एज में मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ था पीजीआई से. वीकनेस रहती थी और डायलिसिस फिर स्टार्ट हो गए 2011 में. 10 ईयर्स ऑफ डायलिसिस एंड ऑल. एंड उससे पहले कि ही वाज मतलब जब ये 8 साल का था तब मतलब कितने सो मेनी ईयर्स हैव पास्ड वी आर स्ट्रगलिंग. सो मतलब 8 साल के ये थे. अब नाउ ही इज 26 माशाल्लाह. फादर जो हैं वो मेरे ब्रदर के भी प्रॉब्लम थी तो उसको डोनेट कर चुके हैं. मेरी मदर का जो टेप टेस्ट हुआ थोड़ी सी प्रॉब्लम थी उसने तो इसलिए मदर को मना कर दिया गया. हमारे पास डोनर है नहीं कोई और तो इसलिए कैडेवरिक के ही लिए हम लोगों ने अब ऑप्ट किया है. मिस्टर साद केम टू अस 20 इयर्स बिफोर एट एसजीपी जेएमएस विद किडनी डिजीज. He has been on conservative treatment for 10 years and underwent kidney transplantation somewhere else. During operative procedure, he developed cardiac arrest and had hypoxic brain injury. He has been airlifted back to SGPJMS with us. Gradually, he has been made off from the ventilator. His hypoxic injury also improves over the time, but he has a residual cortical blindness. छोड़ दी. जब मेरा ट्रांसप्लांट अनसक्सेसफुल रहा फ्रॉम 2013 टू 18 वो ऑडियो बुक हम सुनते थे उसकी वजह से मेरा राइटिंग का टैलेंट डेवलप हुआ. ये मेरी पहली पोएम थी एक्चुअली. लॉस्ट रिटन बाय साद अहमद खान. When I woke, it felt like I was floating in space. My endless sleep had ended and now I was out of the maze. 20 days long journey worth a decade had now ended. But vaguely anyone knew that a string had broken which may not be mended. लेकिन ये ना डायलिसिस होती है उसकी वजह से एक हमारे 3 दिन चले आते हैं. पढ़ाई ज़्यादा नहीं कर पाते उन 3 दिन. वीकनेस रहती है बाकी दिन आधा दिन चला जाता है इसमें तो बहुत ज़्यादा कर नहीं पा रहे. इतना करना चाहते हैं उतना नहीं कर पा रहे. अगर ट्रांसप्लांट मान लीजिए हो जाता है तो फिर ऑब्वियसली यूपीएससी का और बहुत सारी चीज़ों का लिए मेरा एक डोर खुल जाएगा. एटलीस्ट एक नॉवल तो पब्लिश करा ही लेंगे. जैसे डायलिसिस पेशेंट जो हैं उनको एक प्रॉब्लम होती है. डॉक्टर्स खाली इनको गाइड करते हैं कि जो पेशेंट की जो एक एक्सपीरियंस होता है ना कैसे आप डायलिसिस को हैंडल कर सकते हैं तो वो भी हमको पब्लिश कराना है. क्योंकि जो हमारे एज के लोग हैं उनको मतलब निकलना होता है बाहर जाना होता है कोचिंग का मन होता है कि भाई बहुत 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 सारी विशेज होती हैं कि ये करना है वो करना है. सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता है कोई तो कुछ नहीं कर पाता. वॉलंटियर करना है नहीं कर पाता तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है वो. तो उसके लिए ट्रांसप्लांट मेरा बहुत ज़रूरी है. मेरे भाई मेरे सिबलिंग है एल्डर ब्रदर है उनसे और साथ की बचपन से बहुत अच्छी बॉन्ड रही है. अभी दुबई में है वो रिसेंटली. तो जब कुछ उनको कुछ अचीव होता है ना तो वो इन्हीं के बारे में सोचते हैं कि साथ भी मेरे साथ का है. अब भी अगर वो सही होता तो मेरे साथ वो भी यहाँ होता कुछ ना कुछ तो अचीव करता वो भी. He should get a transplant, like, really. I can tell how it feels. साथ के तो बहुत उसको तो खुशियों का ठिकाना ही नहीं रहेगा. वो तो बस चाहता है हमसे पूछता है पापा किडनी डोनर का इंतजाम हुआ आप ये हुआ तो हम अक्सर आते हैं बार उनकी अपने घर से वापस से तो पूछता है तो सोचते हैं कि अब क्या इसको क्या जवाब दें. कहना नहीं चाहिए लेकिन भाई उसकी एक लिमिट होती है ना पेशेंट्स की. कब तक डायलिसिस कराते रहेंगे. अगर आदमी को कोई होप नहीं दिखेगा तो फिर क्या करेगा वो.
ट्रायल एंड एक्सपेरिमेंट का मेरा थोड़ा फंडा मतलब मेरा एक तरीका रहा है। तो हमने ट्राई किया कि एक्सरसाइज ट्राई की, बहुत फ़ायदा से हुआ। डांस भी करते थे क्योंकि पढ़ा था कि डांस करने से आपका काफ़ी हेल्प होता है। इससे रीडिंग बहुत अच्छी होती है। हम हमेशा कहते हैं कि बुक्स आर द बेस्ट एंटी डिप्रेशन ड्रग। फ्रेंड्स को टाइम दीजिए तो फ्रेंड भी आपको टाइम देंगे और लाइफ काफ़ी आसान हो जाती है। Prayers can do wonders if prayed from the depths of your heartbeat. When this happens, even destiny has to bend the knee in mock defeat. Life does not give us everything we have ever wanted, but always remember, life is too precious to be taken for granted. Mr. Saad is still awaiting for kidney transplantation. The India need a robust deceased donor transplant program, and the many developing countries like India needs to focus on preventive aspects, robust screening program, and timely intervention to treat and retard the progression of many native kidney disease. What's she doing back here? Hagrid can't have left, can he? Giving up has never been an option for me, even if I have to stand at the doors of eternity. Thank you.